इस क्लास में हम कुछ भी कराएं, चाहे मेंस का पेपर कराएं, चाहे प्रीलिम्स का कराएं, चाहे कुछ भी, इसमें जो भी एक्टिविटी होगी वो आपको और सीधे पेपर में समझ में आएगी, ठीक है। वो सारी एक्टिविटी आपको पेपर में वो समझ में आएगी। तो चाहे हिंदू पेपर हो या फिर खासकर इंडियन एक्सप्रेस हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जितने भी न्यूज़ पेपर हैं, ठीक है, उन सबका जो समरी है अकॉर्डिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस एंड इंटरव्यू, ठीक है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, इस बार का जो 2020 है मेंस का पेपर है और 2021 ये प्रीलिम्स का पेपर है, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखना है कि 2020 का मेंस का पेपर और 2021 का प्रीलिम्स का पेपर, आप अपनी स्ट्रेटेजी स्टार्ट कर रहे हैं इससे पहले ये पेपर आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ द हिंदू को पढ़ना अकॉर्डिंग जो यूट्यूब चैनल है उससे मतलब नहीं है। क्योंकि एक चीज मैं आपको बता दूं यहां से कि आपका 70% जो पेपर है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो या इंटरव्यू हो, ये डिपेंड करता है करंट एक्टिविटी पे, करंट एक्टिविटी। द हिंदू के बारे में मैंने नहीं बोला, करंट एक्टिविटी के मतलब है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टेप लेती है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो हमारा सिस्टम जिस तरह से रूल आउट होता है, वो सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्टिविटी है, उसके अकॉर्डिंग 70% पेपर आपका डिजाइन होता है। तो हाँ, 70% पेपर डिजाइन होता है, लेकिन द हिंदू या पीआईबी या आरएसटीवी ये 99% चीजें कवर करती है, द हिंदू, पीआईबी और आरएसटीवी। तो सबसे पहले हम लोग सारे लोग 22 के लिए, ठीक है, 22 के लिए या 23 के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं सारे लोग। तो 23 के लिए, 22 के लिए, तो सबसे पहले 21 का जो पेपर आया है उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, और जो 21 का मेंस आ रहा है, मतलब जो जनवरी 22 में होगा, ठीक है, उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। तब आपको समझ में आएगा कि ये जो एरिया है वो क्या कवर कर रहा है ना? क्योंकि जो यूपीएससी सिविल सर्विस है वो आपसे 4 स्टेप आगे सोचता है। हमें लगता है कि लूसेंट, लक्ष्मीकांत या किसी के नोट्स काम हो जाएगा, नहीं। आपको ये समझ में आना चाहिए कि परसों पेपर में क्या आने वाला है, कल आएगा ये आप समझते हैं, कल क्या आने वाला है न्यूज़पेपर में ये आप जानते हैं, समझना ये है कि परसों क्या आने वाला है ना। तो ये सारी चीजों का मतलब फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, फोकस कहाँ। देखो, एक बहुत बड़ी सी बात है कि पहले हमारे पास फोकस करने के लिए केवल एक साइन था, एक पॉइंट था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक अब एक नया साइन बना है हमारे सामने कुछ दिनों से, बता सकते हैं। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिसकी तरफ हमें देखना है, जिसको फॉलो करना है, जिसको वॉच करना है, जिसको जिसकी एक्टिविटी हमें समझनी है। दूसरा कुछ और है जिसको हमें समझना है, बता सकते हैं वो क्या है दूसरी चीज, इसको हमें पकड़ना है, इसको हमें देखना है, ऐसा क्या है दूसरी पॉइंट पे हमें समझना। अच्छा देखो, चलिए थोड़ा इजी कर देते हैं। जब आप सुबह उठते हो सबसे पहले, तो जब भी आप यूपीएससी के बारे में सोचते हो सुबह उठ के, तो सबसे पहले जहन में क्या आता है, ये हम बात कर रहे हैं। जो सेकंड चीज है वो है मीडिया, आपको मीडिया को भी फॉलो करना है, मतलब मीडिया किसी भी चीज को कुछ भी बना देता है। अभी क्या है कि मीडिया को लेकर लोग दो तरह से डिवाइड हुए, जो मैं बातें कह रहा हूं हो सकता है कुछ समझ में कम आ रही हूं लेकिन समझ में आएगी कि मीडिया किसी को भी हीरो बना दे रहा है, किसी को भी जीरो बना दे रहा है। मानते हैं कुछ न्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटा कवर नहीं करता, बट अगर वो चीज वायरल आज तक ने की है
या वो चीज वायरल एनडीटीवी ने की है या किसी और सोशल साइट से हुई है ना, देन दैट मे बी पार्ट ऑफ योर एग्जाम। 100% वो एग्जाम में हो सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप करंट एक्टिविटी से अवेयर हैं या नहीं है। डिपेंड ये नहीं करता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवेयर है या नहीं, डिपेंड ये करता है कि आप जाग रहे हैं कि नहीं। ब्लाइंडली सिर्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? हम पहले बोलते थे कि देखो क्या होता है कि यहाँ पे दो तीन बातें हैं, तीन पॉइंट को समझना है, यूपीएससी आपको पूरा समझ में आएगा। पहला पॉइंट कि जो सबका मदर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको हमें चीजों को समझना है। सेकेंड पॉइंट है, एक आपने अक्सर ये सुना होगा कि गांधी जी वॉज नॉट ए ग्रेट लीडर, है ना, ही वॉज डिजाइन्ड। वो महान नेता थे नहीं, उनको बना दिया गया। उसी तरह से आज के समय में कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं जो बहुत हाईलाइट नहीं है, तो जिनकी कोई एक इम्पोर्टेंस नहीं है बहुत ज्यादा हमारे सिस्टम के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, या गवर्नमेंट के लिए, या सिस्टर, या यहाँ के लोगों के लिए, फिर भी वो इतने हाईलाइट होते हैं। आपको पता है मुकुल रोहतगी इस बार हाईलाइट है क्यों? किसने किया हाईलाइट उनको? या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें कोई अवार्ड दिया? किसने किया? पता है ना आपको मुकुल रोहतगी कौन है? तो उनकी एक दिन की फीस 30 लाख रुपए, कौन बता रहा है ये? तो शाहरुख खान की वजह से वो हाईलाइट है। और मुकुल रोहतगी का मतलब है आपसे कहां से कहां चीजें जुड़ सकती हैं। वो कैंडिडेट किस बॉडी पे था, उस बॉडी से उस बॉडी से क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना, उस बॉडी से क्वेश्चन बनेगा। मुकुल रोहतगी के बारे में आपको सब जानते हैं, वो आदमी एक दिन का 30 लाख रुपए उसकी फीस है, उसे कोई लेना देना नहीं। 30 लाख हो, 30 करोड़ हो, बहुत से लोग हैं जो 30 लाख से ज्यादा कमाते हैं पर इंडिया में, लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि मुकुल रोहतगी के बैकग्राउंड को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो एक वो चीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, हमारे पीएम मोदी ने क्या किया, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड गए, क्या क्या फैलाया वहां पे, क्या क्या उन्होंने किया, दैट वॉज गवर्नमेंट एक्टिविटी। सेकेंड इज कि वट इज द क्रिएशन ऑफ मीडिया, मीडिया ने किस चीज को हाईलाइट किया। दूसरी चीज, ये जो सबसे पॉइंट आता है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना, जो आपके मेंस में काम आएगा, जो आपके इंटरव्यू में काम आएगा, जब हम क्लासरूम में रहते हैं, एसी में रहते हैं, एसी गाड़ी में रहते हैं, सारी चीजें ठीक है, ऑफिस में रहते हैं सब कुछ ठीक है, क्लास भी करते हैं अच्छी जगह है, सारा कुछ ठीक है, आरओ का पानी पीते हैं, लेकिन जब आप बस से उतरते हो रोडवेज पे अपने लोकल सिटी में, तो आपको क्या दिखाई देता है? तो जो लोकल सिटी की जो लोकलिटी है, लोकल सिटी लोकलिटी समझते हो ना, बेगर, हॉकर्स, जितने भी लोग हैं, जो भी वहां की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हाउ टू सॉल्व, कैसे आप देखते हो, कैसे वॉच करते हो। आपका मतलब ये नहीं आप एसी की गाड़ी से गए, भले एसी की बस से गए, आप एसी गाड़ी से गए ऑफिस में गए, बात खत्म हो गई, ये नहीं है, है ना। यू हैव टू वर्क फॉर योर भारत, नॉट इंडिया। आपको भारत के लिए काम करना है। रोडवेज उतरते हो तो एक तरफ आपको भिखारी दिखते हैं, एक तरफ आपको ठेली वाले दिखते हैं, एक तरफ आपको कूड़ा दिखता है, एक तरफ आपको नगर पालिका की गाड़ी दिखती है, एक तरफ कुछ लोग झगड़ते हुए दिखते हैं, तो ये सब क्या है? ये भी एक पार्ट है। तो आप तीनों पिलर पे काम करना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि द हिंदू का पहला क्लास है, आगे इसी तरह से चीजों को समझना है। जब इस तरह की चीजों को समझोगे तो आपको हर न्यूज़पेपर में, चाहे वो अमर उजाला ही क्यों ना हो, समझ में आएगा आपको, है ना, अमर उजाला ही क्यों ना हो, वो आपको समझ में आएगा। तो मेरे पास, मेरे यहाँ, मेरे पास में जहां मैं रह, जहां से मैं हूं, वहां दो सिटी हैं, एक बरेली है और एक बदायूं है, सुना होगा आप लोगों ने। तो मैं एक रियलाइज क्या किया कि जो बदायूं सिटी है, उस सिटी में, बदायूं का नाम सुना होगा आपने इल्तुतमिश के समय, तो बदायूं जो है मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, तो बदायूं सिटी में जब मैं रात में रुकता हूँ तो वहां पे जागरण और अजान की आवाजें कम आती हैं। जब मैं बरेली रुकता हूँ
तो जागरण और अजान की आवाजें ज्यादा आती हैं। जानते हैं क्यों? इसको समझना पड़ेगा, है ना? तो क्या रीजन जहाँ है? धार्मिकता ज्यादा है सर वहां आएगी, यस, जहाँ धार्मिकता ज्यादा है लोग कट्टर हैं वहां ये होगा, और जहाँ वहां धार्मिकता ये थोड़ी कम है वहां ये चीजें नहीं होंगी। बदायूं जो है वो छोटा डिस्ट्रिक्ट है, पड़ोस में किस जाति का आदमी रहता है, किस धर्म का, उसे मतलब नहीं है। वो होली भी मनाते हैं, साथ में ईद भी मनाते हैं, है ना, छोटी जगह पे। आपको पता होगा ये चीज, हमारे गांव में तो जो लोग मुस्लिम थे उनको खुद नहीं पता है। वो लोग मतलब नवदुर्गा व्रत रहते हैं, हमारे लोग जो है जो भी ईद वगैरह होती है वो सब मनाते हैं, क्योंकि हम छोटी जगह पे लोग रहते हैं, तो वहां पर ये सब चीजें नहीं है। जब आप थोड़ी सी बड़े जगह पे आते हो तो बड़ी जगह पे बड़ी पॉलिटिक्स और बड़ी पॉलिटिक्स पे बड़ा क्राइम, ये चीज वहां के लोगों ने नहीं रियलाइज किया। कि मैंने ये चीज देखा एकदम, यार जब मैं बरेली आता हूँ तो शाम को छत पे सोता हूँ तो लगता है कि चारों तरफ वो चीजें हो रही, रात में सोने नहीं दे रहे। वही बदायूं में ये सब चीजें नहीं होती, वो कम होती है। तो जब इस चीज को समझने लगोगे ना, जैसे मुरादाबाद है ना, और लखनऊ है, कानपुर है, बहुत ऐसे हॉट स्पॉट है इंडिया में, मालेगांव है, तो जो रिलीजियस जो रिलीजन का लोग यूज करते हैं पॉलिटिक्स वाले, वहां पे ये सारी चीजें होती हैं। तो मैं सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर अमर उजाला के पेपर में या किसी, जैसे मान लीजिए अगर आप पेपर उठाते हो, सपोज कीजिए चेन्नई का, ठीक है, सपोज करते हैं चेन्नई का, और एक आप पेपर उठाते हो अजमेर का, दो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक पेपर उठाते हो अजमेर का, एक उठाते हो चेन्नई का। तो जब आप चेन्नई का पेपर देखते हो तो आपको सिर्फ कॉमर्शियल बातें समझ में आती हैं, मतलब काम की बातें आपको दिखती हैं, तो कोई ऐसा नहीं है। वहीं जब आप अजमेर का पेपर देखते हो, है ना, तो आधे पेपर में तो ख्वाजा साहब की चादर दिखती है आप, उसके बाद फिर उनका जागरण दिखता है, फिर उनकी छठ पूजा दिखती है, फिर करवा, मतलब जितने भी रिलीजियस, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, मतलब उससे नहीं है। मतलब ये है कि आपको उसकी लोकेलिटी से आपको समझना पड़ेगा, और ये चीज आपके मेंस में इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसून दक्षिण से आता है, पश्चिम से आता है, फर्क नहीं पड़ता। यूपीएससी कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता कि मानसून किधर से आता है, है ना? यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि क्या रीजन है कि गांव में पानी कम होते हुए लोग शांति से जीते हैं, और क्या रीजन है कि दिल्ली में या मुंबई में या मेट्रो सिटी में, जहां पानी बहुत मतलब अच्छे से मैनेज है, फिर भी वहां प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीजों को समझना है, क्योंकि पहला क्लास है। तो हम अभी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपकी कोई भी क्लास छूटे, चाहे वो एमसी की भी क्लास छूटे, चाहे वो जीएस की छूटे, चाहे वो एनसीईआरटी छूटे, मगर ये नहीं छूटनी चाहिए, और शुरू से लेके। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप मेंस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हमेशा अपने टेबल पर रखिए, हमेशा। और 2012 से, ठीक है, 2012 से मेंस का पेपर, है ना, मेंस का पेपर, और 2011 से प्री का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर, ये दोनों आपके टेबल पे होने चाहिए हमेशा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। सर हाँ, बिल्कुल सर क्वेश्चंस रिपीट होते? रिपीट होते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट। देखो क्या होता है ना कि यूपीएससी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं करती। एक दो बार ऐसा हुआ है, एक दो बार कि दो बार तो मैंने देखा है, दो बार ऐसा सर हुआ हुआ है। था सर, इस बार भी हुआ है। दो बार मैंने देखा है, और एक बार तो सेम टू सेम हुआ था, एक बार सिविल सर्विस एग्जाम में क्वेश्चन आया था, वही उन्होंने एक और एग्जाम दिया था, एक और एग्जाम होता है यूपीएससी का, तो अभी 5 अगस्त को या सितंबर को हुआ था, तो वो एपीएफओ का, ईपीएफओ का, तो उसमें आया था। तो कभी कभी रिपीट होता है ना। देखो रिपीट हो ना हो, लेकिन सिविल सर्विस एग्जाम में या यूपीएससी उन्हीं चीजों को कैच करती है जो इम्पोर्टेंट है, उससे अच्छा हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, है ना? क्यों ऑब्जर्व नहीं कर सकते? उनकी जो टीम है वो उसमें नंबर ऑफ 1000 पीपल है,
नंबर ऑफ थाउजेंड्स, हम क्या हैं, अकेले हैं, है ना। तो जो नंबर ऑफ थाउजेंड्स पीपल की टीम है वो सारी चीजों को ऑब्जर्व कर, मतलब कल एक आजकल आप आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, है ना, कौमी साहब, तो कौमी साहब के साथ में बहुत सारे फोटो आ रहे हैं जो पद्मश्री, पद्म विभूषण ये सब आ रहे हैं। तो किसी ने हमसे पूछा कि ये यार ये ढूंढ कैसे लेते हैं इन लोगों को, है ना, मतलब उन्होंने बोला कि ढूंढ कैसे लेते हैं, किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के सिर पे कपड़े नहीं है। तो ये पूछा हमने कि देखो इनके पास एक अपनी टीम है, हजारों लोग हैं, और हमें अननोन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि वो केरला के लोग हैं, हमें अननोन इसलिए लग रहे हैं कि वो मतलब चेन्नई के लोग हैं या बस्तर के लोग, हमें इसलिए अननोन लग रहे हैं वो, या उड़ीसा के लोग हैं, लेकिन वो अननोन नहीं है, ठीक है, चाहे वो कोई भी नाम हो आपने देखा होगा। हाँ, अगर पद्म अवार्ड की बात आती है तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि इस साल उन्होंने भारत रत्न तो नहीं दिया है, ठीक है, भारत, अच्छा देखो भारत रत्न को पद्म अवार्ड भी नहीं बोला जाता है, अगर हम इसको एक वर्ड में बोलेंगे तो ये क्या है अवार्ड जो दिए गए, बता सकते हैं, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, हमारे महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा जो दिए जाते हैं प्राइज, जिनको हम लोग नॉर्मली पद्म प्राइज बोलते हैं, तो उसमें भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये तो आपको पता, एक बार आप स्टेट में यही पूछ लिया था, सीक्वेंस पूछ लिया था। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान तो चलो हो गया भारत रत्न, ठीक है, उसके बाद पद्म विभूषण क्या है, तो अगर इनको एक ये अवार्ड क्या कहलाते हैं, ये अवार्ड जो है, देखो क्या होता है कि पद्म अवार्ड में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म भूषण सबसे टॉप पे है, ठीक है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, तो ये है पद्म अवार्ड। अगर उसको, अगर उसमें भारत रत्न को शामिल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सिविलियन अवार्ड, हिंदी में क्या होगा हमें नहीं पता है, सिविलियन अवार्ड। तो ये भारत रत्न और पद्मश्री को मिला के सिविलियन अवार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में सिविलियन को, ये लोग आर्मी वाले लोग बोलते रहते हैं तुम सिविल के हो, तुम सिविल के हो, है ना, तो नागरिक सम्मान ऐसे कुछ होगा ना, यस सर, हाँ सिविल लिखा था सर, पद्म वाले में सर्वोच्च द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान करके लिखा हुआ था उसमें, हाँ, द्वितीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान। तो ये जो सिविलियन अवार्ड है, और पद्म, कभी आपसे पूछेगा कि क्या पद्म अवार्ड में भारत रत्न आता है, नहीं आता, वो अलग है, सिविलियन अवार्ड फर्स्ट में आएगा क्या, हाँ वो सिविलियन अवार्ड है, भारत रत्न में सब भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है वो, ठीक है, उसको एक लैंग्वेज दी गई है सिविलियन अवार्ड, है ना, फर्स्ट सिविलियन अवार्ड, सेकंड सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण, थर्ड सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण, फिर फोर्थ है पद्मश्री, और तीनों पद्म अवार्ड है जो फर्स्ट के बाद जो है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो भारत रत्न इस बार नहीं दिया गया है, और पद्मश्री दिए गए हैं, पद्मश्री तो बहुत ज्यादा है। एक बार क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ कि जो पद्मश्री जिसको भी मिला है या पद्म भूषण मिला है, तो पद्म विभूषण जिसको भी मिला है, पद्म विभूषण फर्स्ट वाला, उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, हर चीज के बारे में। ये बता सकते हैं एक दो नाम पद्म भूषण वाले का, पद्म विभूषण का, एक तो नाम बहुत फेमस है यार, पद्म विभूषण पहले वाले का, टॉप का, पीवी सिंधु सर, पद्म विभूषण, पीवी सिंधु तो नहीं मिला होगा, इतना तो बड़ा अवार्ड नहीं मिल सकता उनको, एक है बाला सुब्रमण्यम, है ना, वो मुझे नाम याद है, पद्म विभूषण का मतलब सबसे टॉप के, या ये अवार्ड ना पद्म विभूषण के चार पांच छह लोगों को दिया जाता है, फिर 10 से 12 लोगों को पद्म भूषण दिया जाता है, 7 लोगों को मिला है सर, हाँ ऐसे ही हुआ, 6, 7, 5 को दिया जाता है, तो 7 लोगों को पद्म विभूषण, और पद्म भूषण है, फिर पद्मश्री है। तो मेरा कहना है कि पद्म विभूषण के जो लोग हैं और पद्म भूषण के जो लोग हैं
उनके बारे में अच्छे से आप समझ लेना, है ना। और जो पद्मश्री जिनको मिला है, ठीक है, उनके बारे में क्या करना है, लगभग काफी लंबी लिस्ट है, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, फिर मैं मैगजीन बना रहा हूँ उसमें भी मैं नाम आपको दे दूंगा। तो पद्म श्री का सिर्फ इतना समझना है कि ये जिसको मिला है ये किस फील्ड से है, क्योंकि वो लगभग 84-85 के आसपास है, काफी नंबर 102 है सर, हाँ 102, 102, ठीक है 102, मतलब समझ रहे हो, तो नंबर आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि जो बार बार वायरल हो रहा है जिसका नाम, मैंने क्या बोला, एक तो वायरल भारत सरकार करती है और दूसरा वायरल हमारे लोग करते हैं, हमारे लोग मतलब सोशल मीडिया, और वो यूपीएससी वाले इस चीज को देखते हैं, चाहे वो आज तक वायरल करें चाहे हम लोग खुद करें। तो अभी जो वायरल हो रहा था, मैं फेसबुक पे देख रहा था, एक तो वो है जिन्होंने कई स्कूल खोले हैं, है ना, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है और मैं करवाऊंगा सबको, एक वो है जो लेडी है जिन्होंने शायद बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, ठीक है, तो इस तरह की चीजें हैं। तो मतलब पद्मश्री वालों के नाम और फील्ड आपको, या शायद 2008-09 में एक बार बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया था उन्होंने, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, ये दो बार क्वेश्चन आया, एक आरपीसी में आया फिर एक बार यूपी में आया। तो खैर साइना नेहवाल अभी लोग कन्फ्यूज हो जाते, बैडमिंटन टेनिस सानिया साइना, है ना, तो मतलब उस समय की बात कर रहे हैं, अभी भी बहुत से लोग होंगे कंफ्यूज, उस समय सानिया तो, उस समय जो साइना नेहवाल थी वो चर्चे में थी, अभी तो चर्चे में भी नहीं। अगर किसी को आम आदमी को पकड़ के पूछो कि अच्छा बताओ सानिया साइना और पीवी सिंधु ये क्या है तीनों, चकरा जाएंगे वो लोग, बोलेंगे है तो खिलाड़ी, पता नहीं कौन सी टेनिस खेलती है कौन सी बैडमिंटन खेलती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो क्या करना है, नाम लिखना है उस व्यक्ति का और सीधे गूगल इमेज में चले जाना है, तो ज्यादा नहीं, 102 लोगों ने बहुत कुछ किया है इंडिया के लिए तब उनको अवार्ड मिला है, तो 102 लोगों के लिए अगर आप हर व्यक्ति को 2 मिनट या 3 मिनट दे देंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है आपको इंस्पिरेशन मिले और हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, दोनों चीजें है ना, मतलब अगर आप उनसे इंस्पायर हो जाते हैं तो एग्जाम बहुत छोटी चीज हो जाएगी फिर ना, कुछ अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये आदमी इस कंडीशन में ये किया है तो वो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है आपकी लाइफ में, वो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। जैसे वो व्यक्ति है, शायद हॉकर्स थे पहले, फिर उन्होंने स्कूल खोले जहाँ नहीं है, है ना, आज लोग प्लॉट खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, है ना, मतलब अलग ही प्रॉपर्टी का एक डिजाइन कर देते हैं, तो वो चीजें हैं। तो ये चीजें कभी कभी देखा कीजिए, क्योंकि बहुत लाइफ को आपसे, आपकी लाइफ को जोड़ती, फिर आपको समझ में आएगा कि मेरी लाइफ तो इनसे बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। कभी मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आपने सुदेश लहरी का नाम सुना है, सुदेश लहरी सुना होगा, है ना, सुदेश लहरी जो कृष्णा के साथ में आता है, ठीक है, बहुत अच्छा कॉमेडियन है वो, कभी सुदेश लहरी की पर्सनल लाइफ पर वीडियो है वो देखना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे सुदेश लहरी के, मतलब कई सारी मूवी में भी है, एक रेडी मूवी आई है सलमान खान की, उनके साथ में भी है, और कृष्णा है ना, कपिल जो कौन सा शो आता है उस पर अक्सर रहते हैं, और कृष्णा और सुदेश की तो जोड़ी बहुत फेमस थी, तो मतलब उससे नहीं वो कॉमेडियन है, आप उसकी उनकी लाइफ को लाइफ का जो उनका जर्नी है उसको समझोगे। तो वो शायद डीडी न्यूज पे है, जो एक नाटक आता है, नाटक नहीं सॉरी एपिसोड आता है तेजस्विनी, उसने नाम नहीं आता एंकर का मुझे, डीडी न्यूज की है, तो उसने सुदेश लहरी का इंटरव्यू लिया था। तो अगर आप सही मूड से हैं तो आपके आंसू आ जाएंगे पूरा इंटरव्यू देख के, इतना लाइफ में स्ट्रगल हुआ है, तो वो फिर चीजें एक अलग लेवल पे आपको पुश करती हैं, है ना, पुल नहीं करती, आपको पुश करती हैं, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। तो जो लोग हैं जिनको भी अवार्ड मिला है ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे ज्यादा ध्यान आपको नहीं देना, जैसे एक रामदास पासवान जी हैं, उनको मिला है, ठीक है, उनकी लाइफ को आप, हम सब लोग जानते हैं कि कैसी लाइफ उनकी रही है, और बाला सुब्रमण्यम है,
उनका भी हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन जो इन्हें पद्मश्री मिला है या पद्म भूषण मिला है, जो ट्राइबल एरिया से हैं, जिनके पैर में चप्पल नहीं है, शरीर पे कपड़े नहीं है, है ना, मतलब उनकी कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे वो झोपड़ी से निकल के वो राष्ट्रपति के, महामहिम राष्ट्रपति के सामने कभी आएंगे, तो उनके बारे में देखना है आपको, है ना। वैसे तो बहुत लोगों को मिला, शायद इस बार किसको मिला है, सुषमा स्वराज को ही मिला है शायद, कुछ दिया है अवार्ड, तो जिनके बारे में जानते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन जो जो प्रेसिडेंट की कारपेट पे चलने के लिए बहुत दूर से आए हैं उनको जरूर देखना है। खैर, और हाँ, मैं ये कह रहा था, आज मैंने कुछ, चलो काफी बातें हो गई, तो अच्छा देखो एक चीज बताएं हम आपको, कि आप लोग जो क्लास चल रही है द हिंदू की, इसमें हम अपने हिसाब से तो जो कर रहे हैं वो कर ही रहे, क्योंकि ये क्लास अब कंटिन्यू रहेगी और यही मेन क्लास है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, तो आप लोग अगर इसमें कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट चाहते हो, कुछ चेंजिंग चाहते हो, तो वो मुझे बता दो, अभी वो मैं अप्लाई कर लूंगा, ठीक है। अफरोज नाजुका मालती, पता कुछ ऐसा कुछ चाहिए अलग से, मैं अपनी तरफ से जो बेटर हो सकता है मैं दे रहा हूँ। हाँ सर, सर जैसे ही अभी मुझे एग्जाम 2023 में देना है, तो फिर अभी से जो मैं करंट अफेयर कर रही हूँ, तो उसका जो आप मैगजीन बनाओगे, तो वो सब उसमें इंक्लूड होगा कि कैसे होगा? मतलब वही जो, पूछना था। हाँ देखिए, जो आप क्लास कर रहे हो ये 2028 तक के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें मालती गर्ग है, इनने पेपर दिया है, इनको पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन 3 साल 4 साल 5 साल पहले के भी आए हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करना है, आपको मेंस भी क्वालिफाई करना है, आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है। ये शॉर्टकट की 6 महीने का, अच्छा 6 महीने में आप 6 महीने की चीजों को लेके क्या इंडिया यूएसए रिलेशनशिप को डिफाइन कर सकते? नहीं। इंडिया इजराइल के, या इंडिया चाइना, या इंडिया पाकिस्तान, नहीं। तो ये जो चीजें मेंस के लिए बनती हैं आपकी, तो ये कोई एक दिन 6 महीने की नहीं है, तो करंट अफेयर्स आपका 3 साल का, 2 साल, और आपको लगता है कि जो हमारी क्लास द हिंदू वाली होती है ये करंट अफेयर्स की बेसिकली नहीं है, मतलब तो हम लोग इसको बेसिक में जाके समझते हैं। करंट अफेयर्स का मतलब ये होता है कि भाई ये अवार्ड किसको मिला, इसको अंडरलाइन करो, जैसे बाकी एग्जाम में होता है, एसएससी में होता है ना, ये पुलिस पुलिस एग्जाम में होता है कि ये मिस यूनिवर्स वर्ष बनी, ये मिस इंडिया बनी, ये सब क्वेश्चन रहते हैं, तो ये बेसिकली करंट अफेयर्स का नहीं है। और जो भी हम मैगजीन निकालेंगे, जो आपको देंगे या जो क्लास करवाएंगे, वो आपके तीनों स्टेप के लिए है, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप क्लास करो तो आपके सामने मेंस का भी क्वेश्चन रहे और प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन रहे, और कुछ इंटरव्यू की चीजें हो तो वो भी सामने रहे, ठीक है। तो अप्रोच ऐसी कोई बात नहीं है, 2023 बहुत जल्दी आ जाएगी, कुछ नहीं है, 2022 तो आ गया है ना, 2022 खत्म है, समझो गया, कब एग्जाम है सर, तो। हाँ बोलिए। सर जो चीजें हाईलाइट रहेंगी अभी करंट में और जिसके मेंस में आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, सर उसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या हो सकता है, इसको बीच बीच में रखिएगा। अच्छा ठीक है, मेंस के क्वेश्चन, हाँ मेंस क्वेश्चन मैंने अभी यही तो बोला है कि आपको मेंस ने क्या बोला, 2020 का क्वेश्चन कैसे आया है मेंस का, क्योंकि तभी हम चीजें फॉर्मेट कर पाएंगे, है ना, तभी चीजें हम करो। देखो क्या होता है ना, कि केवल एक एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको आप करंट अफेयर से कम रिलेट कर पाओगे, दैट इज ओनली हिस्ट्री, केवल हिस्ट्री है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप करंट से रिलेट थोड़ा कम कर पाते हो, हालांकि हो जाता है वो, लेकिन फिर कम कर पाते हो। देखो पूरा इकोनॉमी करंट अफेयर से आएगा, पूरा इकोनॉमी, पूरा इंटरनेशनल रिलेशनशिप करंट अफेयर से आएगा, इंटरनल सिक्योरिटी पूरा करंट अफेयर से आएगा, इथिक्स पूरा करंट अफेयर से आएगा, ऐसे पूरा करंट अफेयर से आएगा, है ना,
इन्वायरमेंट साइंस पूरा करना उससे आएगा करंट अफेयर्स से, डिजास्टर मैनेजमेंट पूरा करंट अफेयर्स से आएगा। करंट अफेयर्स मीन्स कि जो उत्तराखंड में हुआ या जो हिमालय में हुआ या जो मुंबई में हुआ या जो दिल्ली में हुआ, जो भी नेचुरल मिसहैपनिंग हुई उसका बेसिक क्या है, है ना, उसका बेसिक क्या है। अब पता चला कि पिछले 3 सालों से बाढ़ कहीं आई नहीं है, है ना, और हम लगे पड़े हैं हाउ टू कंट्रोल फ्लड, क्या मतलब है उसका, आएगा ही नहीं क्वेश्चन, है ना। तो जो मिसहैपनिंग होती है, जो डिजास्टर्स होते हैं, उन पे हमें फोकस करना है, है ना। इंडियन इकोनॉमी को लेके जो जो हमारी प्रॉब्लम आ रही है उनको हमें सॉर्ट आउट करना है, ठीक है। तो केवल हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम करंट से रिलेट कम कर पाएंगे, बाकी सारे सब्जेक्ट रिलेट करेंगे, ज्योग्राफी भी रिलेट करेगा, बाकी आप सब पता है इकोनॉमी तो पूरा पूरा करेगा। तो इसलिए चीजों को मैंने आपसे पहले ही बोला कि 3 चीजें आपको क्वालिफाई करा सकती हैं, एनसीईआरटी, मैप और करंट अफेयर्स, 3 चीजें सिर्फ। अगर 3 पे अगर आपकी स्ट्रॉन्ग है, मतलब आप सोचिए, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आप सबने एनसीईआरटी पढ़ी है, 11th की एनसीईआरटी तक कोई ऐसा चीज है जो बचता है, मतलब यूपीएससी ने 2016 में पूछा था कि व्हाट इज द मैंडरिन इन 60 वर्ड, तो वो 11th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो इतना अच्छे से दिया है, इसके आगे मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ना मैंने उसको 12th में पढ़ा है, ना मैंने उसको ग्रेजुएशन पढ़ा है, ना मैंने उसको IMM पढ़ा है, हमने मैंडरिन कहीं नहीं पढ़ा, सिर्फ 11th में है वो। तो मतलब क्या है कि 3 चीजों को अच्छे समझना है, एनसीईआरटी को, मतलब एनसीईआरटी मीन बेसिक, है ना, मतलब बेसिक, कंप्लीट बेसिक। दूसरा है मैप, मैप आपको बहुत हेल्प करेगा कनेक्टिविटी में, और तीसरा है करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स तभी कर पाओगे जब मैप आ रहा होगा, और मैप तब कर पाओगे जब आपको बेसिक पता होगा, है ना। ये चीजें जैसे ही आपके जहन में आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, वैसे आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न में है, ये फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पे लैंडस्लाइड ज्यादा हो सकता है, यहाँ से कई नदियां निकलती होंगी, उसे मरले डाल देंगे, ये सब रिवर है, ये सब दिमाग में आना चाहिए तुरंत, है ना। ये कैसे आएगा, बेसिक से आएगा, तो ये तो पता ही है, ये 6 में लिखा हुआ है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज फोल्ड माउंटेन है। तो आप लोग बहुत ज्यादा चक्कर भी ना पड़े, ठीक है। एफरोज, नाजुका, नाजुका को शायद 22 में देना है, क्यों नाजुका 22 में देना है आपको, एफरोज को 23 में देना है, है ना। हाँ सर। चलिए कोई नहीं, 22 में दीजिए, 23 में दीजिए, 21 का तो चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बताएं। मान लो कोई आयोग है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ का एग्जांपल दूंगी, पीएससी है और व्यापम है, ये लोग एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, 3 टाइप के एग्जाम है, तीनों एग्जाम की डेट इन्होंने सेम रखी है, तो उसके लिए आयोग से जितने भी स्टूडेंट थे उन लोगों ने अपील की कि आप डेट अलग अलग कर दीजिए वरना नहीं दिला पाएंगे, नहीं, उन लोगों ने नहीं माना कर दिया, उन लोगों ने नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सर क्या उस वो कर ऐसा कोई राइट बनता है कि जिसके बेस पे हाईकोर्ट सके, ऐसा कोई राइट नहीं बनता उनका, कोई भी राइट नहीं बनता है। अगर 2 पेपर एक साथ पढ़ रहे हैं 2 स्टेट के, तो कोई राइट नहीं बनता है, कमीशन चाहेगा तो अपनी मर्जी से करेगा वरना नहीं करेगा, ठीक है। और ये एग्जाम कंडक्ट कराना पूरी इसमें सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी कमीशन की होती है, इसमें गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ, गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करेगी कमीशन। जो हम अवसर की समानता पढ़ते हैं, क्या ये उसमें नहीं आता है, सबको सेम कहाँ मिल रहा है सर, एक ही दिन तीनों एग्जाम हो रहे हैं, तो फिर वो जा भी तो नहीं पा रहा है उसमें, नहीं वो आर्टिकल। देखिए ऐसे पता क्या है, ऐसे कभी रेलवे एग्जाम, कभी एसएससी एग्जाम, कभी टीजीटी एग्जाम, कभी पीजीटी एग्जाम, पता नहीं कितने एग्जाम होते हैं, तो हर रोज ही प्रॉब्लम आएगी। आपको पता है रेलवे में एग्जाम हैं, एसएससी में पता नहीं कितने एग्जाम होते हैं, और टीचिंग में कितने एग्जाम होते हैं,
तो हाँ ये चीज है, अगर कोई सेंट्रल से कनेक्टिविटी है, जैसे मान लीजिए आईएएस का यूपीएससी का एग्जाम और यूजीसी एग्जाम सेम डेट पे नहीं हो सकता, ये है बिल्कुल यूपीएससी और सीए एक साथ हो सकता है? हो सकता है, कई बार हुआ है ऐसा, क्योंकि स्टेट स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो हटाए या ना हटाए उसमें कुछ नहीं है, स्टेट दो एग्जाम एक डेट पे नहीं ले सकता है, ठीक है। और वही यूपीएससी दो अपने एग्जाम, यूपीएससी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यूजीसी और यूपीएससी सेम डेट पे नहीं ले सकते, रेलवे और यूजीसी, हाँ, और रेलवे और सीजीपीएससी डेट पे नहीं हो सकते, मतलब यूपीएससी नहीं हो सकते। तो ये वो लोग हंगामा कर सकते हैं, रोड पे जा सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा। हाई कोर्ट इसमें सीधे सीधे बोल देगा कि एग्जाम कंडक्ट कराना है कमीशन का काम है, मेरा कुछ नहीं है, उसमें कोई फंडामेंटल राइट नहीं बनता है ना, ऐसा कुछ नहीं है। अवसर की समानता का मतलब ये है कि तो आप ये बोलोगे यार मुझे टीजीटी का भी देना है, पीजीटी का भी देना है, दिल्ली पुलिस का भी आ गया, यूपी पुलिस का भी आ गया, तो फिर ये हो जाएगा ना, ये चीजें हैं। सर, मैं उस तरीके से नहीं सोच पाई। हाँ, क्योंकि ना वो आपका राइट ये है कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़ें, कमीशन का ही है कि वो अपने हिसाब से डिजाइन करेगा, है ना, कमीशन का हिसाब ये है। और कमीशन एक बात मान लीजिए कि अगर कोई भी है, चाहे वो छत्तीसगढ़ के सीएम है या एमपी के सीएम है, ये लोग बोलेंगे कमीशन चाहेगा तो नहीं करेगा। ये सीधा आपने देखा था यूपीएससी में, यूपीएससी में राजनाथ सिंह ने बोल दिया था 2018 में एग्जाम नहीं होगा, लेकिन एग्जाम हुआ, नहीं माना कमीशन, यूपीएससी नहीं माना। और राजनाथ सिंह आपको पता है फर्स्ट लेयर के लीडर है, सेकंड के नहीं, है ना, तो ये चीजें हैं। कोई नहीं, फिर से ज्वाइन कर लेना आप, एक दो बात और। ठीक है, तो कोई नहीं, अभी देख लेते हैं जो भी चीजें थी, तो डाउट क्लियर हो गया होगा। और आज चलो, आज एनसीईआरटी क्लास हम लोग कल से शुरू करेंगे, इसी पे कुछ और बात कर लेते हैं, द हिंदू वाले पे। और मैं एक ना आज जो कुछ क्वेश्चन लिए थे हमने यूपीएससी के 2021 के, ठीक है, और मालती जी ने तो किए होंगे, है ना, दिल की धड़कनें तेज हो सकती हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ, ठीक है, अभी यूपीएससी के 2021 की, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। मैंने बोला था खुद से ही आपको करना है, और मैं खुद भी करवाऊंगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है क्वेश्चंस का? नहीं सर, क्या बात कर रहे हो, सही हुआ था, हाँ होगा होगा, लैपटॉप पे बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है ना, तो हो जाता है जा। तो ये है, ठीक है, मालती क्वेश्चन याद आ रहा होगा आपको। देखो मैं ये क्यों क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज,
यार बीच बीच में करवाऊंगा, मैं इस क्लास में करवाऊंगा, यूट्यूब पे करवाऊंगा। इस पे थोड़ी ज्यादा है कि यूट्यूब पे क्या आप मैच मतलब उतना नहीं हमारे साथ इंटरेक्ट हो पाते हो यहाँ ज्यादा, तो बेसिक इंफॉर्मेशन से कैसे क्वेश्चन होता है और पता नहीं कब मेरे मुंह से क्या निकल जाए। जैसे अभी बात अभी जैसे इन्होंने पूछा कि जैसे अभी इन्होंने पूछा कि दो कमीशन की बात आई है ना, तो कभी ऐसा क्वेश्चन ये बन सकता है, कभी ये क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि दो कमीशन क्या करेंगे। तो हमने सीधे बोला कमीशन का अपना वर्क है, उसको आपने वर्क दिया है कंडक्ट एग्जाम, तो कंडक्ट कराने दो ना उसको, आप कौन होते हो वो डिसाइड करेंगे कि कराना है कि नहीं कराना, हम कुछ नहीं कर सकते फिर, है ना, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप एग्जाम दोगे, अगर एलिजिबिलिटी होते हुए भी आपको बाहर करते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हो। खैर ये क्वेश्चन देखो, ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बताएं कि जो आवाज आ रही है ना मेरी सबको, नाजुका अप्रोच मालती, हाँ सर, तो ये देखो पता है मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इस बार प्रीलिम्स को लेकर बहुत दिक्कत हुई है, तो मैं चाहता हूँ अभी से ही कुछ चीजें साथ में चलती रहें, प्रीलिम्स की भी मेंस की भी। ये भी नाजुका ने बोला है कि तैयारी को देखते हैं, होगी तो देंगे, है ना, तो तैयारी तो अभी से करना है तो हो ही जाएगी। तो और सर मैं एग्जाम में हाँ क्या लगाई हूँ। क्या लगाई आप सी लगाई हूँ सर, सी 1 एंड 3। जी 1 एंड 3। अच्छा ठीक है, तो देखो इसमें सीधा सीधा पूछा गया है कि चार से तीन सेंटेंस दिए हुए हैं, उनके बारे में राइट और रॉन्ग बताना है। तो गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको पता है एक बार आरबीआई के गवर्नर अपॉइंटमेंट को लेके काफी चीजें हाईलाइट में हुई थी, और उस समय ये बोला गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है जो रूलिंग पार्टी उसके लोग और अपोजिशन के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। शायद आपको याद होगा जब सुषमा स्वराज थी तो ये बात आई थी, और ये पता नहीं कौन था गवर्नर उसके समय में आई थी। तो मतलब क्या है कि जो आरबीआई का गवर्नर है उसका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है, दैट इज करेक्ट। ओके सेकेंड है सेंट्रल, हाँ, सर्टेन प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द सेंट्रल गवर्नमेंट राइट टू इश्यू डायरेक्शन। अब ध्यान देना है ना, राइट टू इश्यू डायरेक्शन टू द आरबीआई इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ मतलब आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, ये कुछ डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन या एडवाइज या सजेस्ट या ऑर्डर दे सकते हैं कि पब्लिक के हित में काम करो। बताओ ऐसा है क्या? सर पता नहीं, लेकिन मुझे लगा ऐसा नहीं हो सकता, तो इसी को अच्छा ठीक, गलत करके मैं आंसर निकाली थी। एक मिनट, कि कहीं भी ऐसा आपने नहीं पढ़ा होगा कि जो आरबीआई है, आरबीआई और यूपीएससी या सीजीपीएससी या यूजीसी, ये सभी क्या हैं? ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी। अब इसको ध्यान समझिएगा, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो यूजीसी हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे कोई भी बॉडी हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, उसको एक वर्क दिया गया है, उसको एक ड्यूटी दी गई है, और ड्यूटी से पहले आप जो करना चाहते हो आप करो। मेरी बात समझ रहे हो ना, ड्यूटी से पहले आप जो करना चाहते हो करो। आप अगर चाहते हो कि यूपीएससी में दो अटेम्प्ट होना चाहिए, है ना, इसके लिए कमीशन कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए गवर्नमेंट पार्लियामेंट में काम करेगी, दो अटेम्प्ट होना चाहिए या अनलिमिटेड होना चाहिए। तो आरबीआई का काम पहले से डिसाइड है, वो क्या है कि अब ध्यान दीजिएगा,
आरबीआई वर्क फॉर द कंट्रोल मॉनिटरिंग पॉलिसी या कंट्रोल द मनी सप्लाई या वर्क फॉर मनी सप्लाई। अब वो मनी सप्लाई को ऑपरेट करते हैं, ठीक है। मनी सप्लाई के अलावा कोई काम नहीं है उनका। उनका काम है क्या कि इंटरेस्ट रेट इतना कम कर दो, कि आरबीआई का काम है कि किसानों का कर्ज माफ कर दो। कौन करता है ये? सरकार करती है ना। तो पब्लिक इंटरेस्ट में डायरेक्शन आरबीआई को गवर्नमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि आरबीआई को जो उसकी ड्यूटी है उसको करना है, ठीक है। तो दूसरा सेंटेंस इसमें गलत है। अच्छा एक बात बताओ, आज पीएम मोदी बोले यूपीएससी से कि यार देख लो बच्चे बहुत परेशान हैं, इनको अटेम्प्ट दे दो। बात समझिएगा, आज पीएम मोदी बोले यूपीएससी से, यूपीएससी बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, यूपीएससी से कि यार एक काम करो बच्चे बहुत परेशान हैं, जनरल को भी अनलिमिटेड दे दो, ओबीसी को भी दे दो, एससी को भी दे दो, 40 साल तक सबको कर दो यार। तो क्या ये काम यूपीएससी कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तक यूपीएससी जिस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है वो राज्यसभा में नहीं होगा। हाँ, जब तक वो राज्यसभा में नहीं होगा, जब तक गवर्नमेंट उसको रिटर्न में नहीं देगा तब तक नहीं होगा। उसके बाद जो हो गया, चाहे वो 30 एज हो आपकी यूपीएससी में, चाहे 32 हो या 37 हो, ये फर्क नहीं पड़ता है ना। तो किसी के कहने से नहीं होगा, आपको रिटर्न में देना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पे आरबीआई में है, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, कई बार हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि आरबीआई जो है वो केवल केवल मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है और वो अपने अकॉर्डिंग करती है ना। अगर किसी को टैक्स कम करना है या टैक्स बढ़ाना है तो वो बजट में होता है ना। तो सारी चीजें बजट में होती हैं, पार्लियामेंट में होती हैं, उन चीजों को वो फॉलो करता है आरबीआई। एडवाइस किस बात का? जब आपने बोल दिया कि भाई होम लोन 5% है, भारत सरकार ने डिसाइड कर दिया, तो आरबीआई क्या औकात कि वो 7% ले ले? मेरी बात समझ रहे हैं ना। जब आपने होम लोन बोल दिया बैंकों को कि 5% है, तो किस क्या एसबीआई या कोई बैंक की इतनी हिम्मत है वो 8% ले लेगा, है ना। और आपने बोला है कि 7% लो, और फिर आप स्टेट बैंक के चेयरमैन को फोन करके बोलते हैं ऐसा करो 5 ले लो, ऐसे थोड़ी होता है, हिसाब तो उनको देना है ना। तो आई थिंक हमारी बात समझ गए होगे। तो ये सेंटेंस सिंपल सा था इसमें कि व्हाट इज द एक्टिविटी, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज ड्यूटी ऑफ आरबीआई, आराम से क्वेश्चन निकल आता है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉ द हिज पावर फ्रॉम आरबीआई एक्ट, बिल्कुल सही है कि ये देखो यहाँ लाइन बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने। आरबीआई जो है वो अपने पावर कहाँ से लेता है? आरबीआई एक्ट से। इसमें जो चीजें हैं उसको फॉलो करेगा वो, तो क्यों किसी की एडवाइस मानेगा, क्यों किसी की डायरेक्शन मानेगा, ठीक है। तो सिंपल सा है कि जो आरबीआई एक्ट में है वही उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका सी आंसर सही है। समझ में आ रहा है नाजुक का अप्रोच कुछ? मतलब मैं यही बता रहा हूँ आपको कैसे बहुत सर इसमें ना मैं सी लगाई हूँ, इसमें एक चीज में कंफ्यूजन हुई थी सर, वो मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे सर। फर्स्ट जो दिया था इसमें कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति होती है सर, आने के बाद उसका डिटेल देखी ना तो उसमें एक कमेटी बनती है, वो कमेटी जो है आरबीआई गवर्नर को जो है नियुक्त करती है या चुनती है। तो सर मैं मतलब इस चीज में कंफ्यूज थी कि यदि कोई कमेटी बनती है जिसमें जैसे कुछ जो भी है बाकी लोग हैं, तो सर उसको सेंट्रल गवर्नमेंट मानेंगे जिसमें 6-7 लोग बैठते हैं, वो लोग किसी को चुनते हैं, तो क्या उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही माना जाएगा? नहीं, देखो क्या होता है, एक बात समझिए कि इब्राहिम लिंकन की लाइन आपको याद है ना, है ना, क्या जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा। तो जो गवर्नर ऑफ गवर्नर है ना, या यूपीएससी का चेयरमैन है,
वो क्या है, वो हमारा सर्वेंट है, ठीक है। और सर्वेंट को डेमोक्रेसी में किस किसको पावर दिया गया है, समझ गए मेरी बात, जनता को। और जनता ने किसको रिप्रेजेंट बनाया है, अपना गवर्नमेंट को, है ना। तो गवर्नमेंट ही विदाउट गवर्नमेंट के, विदाउट प्रेसिडेंट के वो अपॉइंटमेंट नहीं हो सकते उनका, ठीक है। विदाउट प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। कमेटी बनती है, कमेटी में रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं, लेकिन साइन फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। एक मिनट कोई आ गया है, चलिए मैं आगे ना इसको कल कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कोई आ गया है तो मैं आगे कल ही किस कंटिन्यू करूंगा, ये मैं वीडियो डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है। बाकी नाजुका अप्रोच एनसीईआरटी क्लास कल से करेंगे, 7 से कंटिन्यू।